अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से बॉम्बे सैंडविच की रेसिपी। बहुत क्विक है और इजी टू मेक है, कोई भी किसी भी एज का बच्चा इसे बना सकता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने दो ब्रेड ले लेनी है, आपके पास बस ग्रीन चटनी ज़रूर होनी चाहिए जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ग्रीन चटनी को हमने ब्रेड के ऊपर पूरे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अगर आपको इसे और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आपने इसमें दोनों स्लाइस में चटनी लगा लेना है, मैंने यहाँ पे एक स्लाइस पे लगाई है। उसके बाद आपको इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम बॉयल पोटैटो की लेयरिंग करेंगे और अच्छे से लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे। पोटैटो लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे ऊपर से टोमेटोज़, और टोमेटोज़ के जो वो बीज होते हैं ना वो थोड़े से आपको रिमूव करने हैं ताकि बहुत ज़्यादा पानी ना आए सैंडविच में। उसके बाद यहाँ पे हमने क्यूकम्बर के स्लाइसेस रख दी हैं, एकदम पतले रखे हैं, मोटे नहीं रखने हैं। और उसके बाद हमने इसमें अनियन रख दिए हैं। अनियन रखने के बाद यहाँ पे हम केचप ऐड कर रहे हैं और साथ में इसमें हम मायो भी डालेंगे। सैंडविच है, आप इसे टी टाइम में बना सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। जो घर में चीज़ें होती हैं उससे ये सैंडविच बनता है। उसके बाद जो सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट है इस बॉम्बे सैंडविच का वो है चाट मसाला। आपको अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से बहुत सारा चाट मसाला डालना है वेजिटेबल्स और सॉस के ऊपर। और उसके बाद फिर हम इस पे डालेंगे मायो। तो मायो में भी तीन ऑप्शन हैं, आप इसमें मायो लगा सकते हैं, आप इसमें सॉल्टेड अमूल वाला जो बटर होता है सॉफ्ट बटर करके वो लगा सकते हैं स्लाइसेस में, या फिर आप इसमें क्रीम चीज़ लगा सकते हैं। तीन ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से एक चीज़ लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम लगा देंगे मायो और हमारा मज़ेदार सा यमी सा टी टाइम सैंडविच रेडी है। और सबसे अच्छी बात है सैंडविच की मुझे ये लगती है ना कि इतने बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इस सैंडविच में, और जिसे कुकिंग नहीं भी आती है ना बस उसे चॉप करना है, स्प्रेड करना है और असेंबल करके सैंडविच को रेडी कर देना है। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है इस सैंडविच की, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपने आज तक ये सैंडविच नहीं ट्राई करा या नहीं खाया, आई नो सभी ने खाया होगा, लेकिन मैंने सोचा जिन्होंने नहीं खाया है उनके लिए रेसिपी शेयर करते हैं। अब हम इसे सैंडविच के शेप में काट लेंगे, और आप चाहें तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं जिस तरीके से ऑथेंटिक बॉम्बे सैंडविच होता है, ग्रिल करा जाता है ऊपर से, फिर वो भुजिया होती है दालमोट वो डाली जाती है। उसके अलावा आप पनीर श्रेडेड पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल रखा है और ग्रिल नहीं करा है और इसे हम ऐसे ही खाएँगे।